हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, एचपीएसएससी, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। और ये जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी टू इंप्रूव योर स्कोर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। दिस इज अ पार्ट थर्ड ऑफ दिस सीरीज और सो फार हम 200 क्विक फैक्ट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप मेमोराइज करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपका स्कोर जो है डेफिनेटली जो इंप्रूव होगा और जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में जो चीजें पूछी गई होती है उन्हीं से ही इन चीजों को जो है फ्रेम किया जाता है, इन फैक्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपका स्कोर जो है एग्जामिनेशन में जो है इनहेंस हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके हमारा चैनल जो यूट्यूब पर रहता है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल सके। पहला हमारा रहता है 201, इसमें आपसे पूछा गया कि विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल, तो आपको बताना चाहिए कि लार्जेस्ट जो नेचुरल लेक है ये जो है रेणुका लेक जो है हमारी रहती है। सो दिस इज द मैप ऑफ एचपी, अवर ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। और अगर हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके लिए जूम करें तो रेणुका जी लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और रेणुका जो है परशुराम जी की मदर और जमदग्नि जी की जो है वाइफ थी और इनके नाम पर इस रेणुका लेक का जो नाम पड़ा हुआ है। और जामु पीक भी जो आपको जो सिरमौर में देखने को मिलेगी, नाहन एरिया सिरमौर में ही आपको देखने को मिला गया, धोला कुआं हो गया, पोंटा साहिब एरिया हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट जो है किस रिवर के ऊपर है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये, जो ब्यास रिवर के ऊपर लार्जी हाइडल प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये हम थोड़ा ध्यान रखना, लार्जी हाइडल जो प्रोजेक्ट रहता है ये 126 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहता है और 2006 में ये जो है बना था और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर ये जो प्रेजेंटली वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि विच पास कनेक्ट लाहौर रीजन टू द चंबा डिस्ट्रिक्ट को भरमौर। देखिए तो बहुत सारे पासिस हमारे हैं जो कि लाहौर रीजन को चंबा के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुकटी पास के बारे में मैंने लिखा हुआ जो कि 5040 मीटर की ऊंचाई पर है। सो दिस इज अवर ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश, तो देख लेते हैं कौन कौन से पासिस हैं मेन जो कि हमारे ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ब्यूटीफुल और लाहौर स्पीति इनको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कुकटी पास मीलेगा आपको सबसे पहले 5040 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, फिर छोबिया पास है जो अगेन चंबा को लाहौर के साथ कनेक्ट करेगा, कलीचो पास है, द्राटी पास हमें यहाँ पर देखने को बहुत इंपॉर्टेंट, द्राटी पास और छोनी पास, कयान पास, ये सारे के सारे पास आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। नीलकंठ लेक का ध्यान रखना हमेशा, ये लाहौर स्पीति में देखने को मिलेगी आप। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि पोंग डैम जो है किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, तो पोंग डैम देखिए हमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है और पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है। 1975 में ये जो एस्टेब्लिश हुआ है और ये जो है एक रामसर साइड भी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने ध्यान में रखना है, हल्डून वैली का नाम आपने याद रख लेना है। जो पोंग डैम को जो बनाया गया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर के ऊपर 1975 में, तो एक हल्डून वैली जो थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वो इसमें जो है डूब गई थी। सो दिस इज अवर लविंग हिमाचल और हम सीधे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराणा प्रताप सागर, 1975 में मिला था, हल्डून वैली इसमें समझ हो गई थी। और आपको बता चाहिए कि जितने भी डैम बनाए जाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं और ये जो है एक वेटलैंड भी रहता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, रामसर साइट रहती है और इन प्रेजेंट इंडिया में जो 42 टोटल जो है रामसर साइट्स हो गई हैं, इसमें से 3 जो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। और पोंग डैम का ध्यान रखना, हल्डून जो हमारी वैली थी कांगड़ा की वो इसमें जो है सबमर्ज्ड हो गई थी, इसमें डूब गई थी जब ये बना था। ये अब अपनी स्क्रीन के सामने जो है विकीपीडिया पेज देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है। तो देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इन प्रेजेंट हमारी कंट्री में जो 42 रामसर साइट्स जो है हो चुकी हैं और वेटलैंड्स रामसर साइट ऐसी होती है इनको जो है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल जो है इंपॉर्टेंस जो बोला जाता है। और रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो है कन्वेंशन जो है ईरान में हुई थी 1971 में, ये जो है साइन हुई थी आपकी और इसके द्वारा जो है रामसर साइट डेजिग्नेट की जाती है। और जो इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स इंडिया के जैसे अष्टमुड़ी वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा केरला में, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ियाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा हमें, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में 2005 में डिक्लेयर हुई थी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, चिलिका लेक ओडिशा, चिलिका एक जो लगून है ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में, डिपोर भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, शाम में एक वेटलैंड साइड है, फिर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स वेस्ट बंगाल, हरिका वेटलैंड पंजाब में काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, ओकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, कांजी वेटलैंड पंजाब, क्यूलाडो नेशनल पार्क राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूलाडो नेशनल पार्क रहता है, फिर केसहूर मियानी कम्युनिटीज ऑफ पंजाब। और ध्यान रखना क्यूलाडो नेशनल पार्क जो आज भी जो मोनेटेक्स रिकॉर्ड में हमें देखने को मिलेगा, चिलिका लेक भी जो है मोनेटेक्स रिकॉर्ड में डाली गई थी लेकिन उसको निकाल दिया गया है। मोनेटेक्स रिकॉर्ड जो ऐसे वेटलैंड्स की सूची है रामसर कन्वेंशन के अंडर जिनके ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट हो चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से या लाइकली टू बी हैपन,
कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट्स देख रहे हैं या लाइकली टू बी हैपन होंगे इनमें, तो इनको इसलिए वाटर स्कॉड में रखा जाता है। और जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अपनी मेंटेनेंस में उनको इसे निकाल दिया जाता है। तो चिलिका लेक पहले इसमें डाली गई थी, बाद में उसको अब निकाल दिया गया है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, लोकटक लेक मणिपुर बहुत बार पूछा जाता है, लोकटक लेक कहां आपको देखने को मिलेगी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, नवाबंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, पार्वती आंगा बर्ड सेंचुरी यूपी, पॉइंट कैलिवर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, पोंग डैम लेक ये जो हिमाचल प्रदेश की पहली जो है रामसर साइट थी 1992 को जो डिक्लेयर हुई थी, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश ये भी 2005 में डिक्लेयर हुई थी, रोपर वेटलैंड ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, रुद्रासर लेक त्रिपुरा, समान बर्ड सेंचुरी यूपी, समसापुर बर्ड सेंचुरी यूपी अगेन, सांभर लेक राजस्थान, संडी बर्ड सेंचुरी यूपी, सरसाई नवार झील यूपी, सस्तिकोटा केरला, सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, सुनिसान मानसर लेक जम्मू एंड कश्मीर, तसोमेरी जो लेक रहती लद्दाख में, अपर गंगा रिवर विजिट यूपी, वेमाड कोल वेटलैंड केरला, वुर्लर लेक जम्मू एंड कश्मीर, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक हमें देखने को मिलेगी वुर्लर लेक, वुर्लर लेक के बाद शान बैरेज उत्तराखंड, कनवर ताल और कबार ताल लेक बिहार, सूर सरोवर यूपी, लोनार लेक महाराष्ट्र, लोनार लेक आपने एक बात ध्यान रखना एक एक जो है क्लेटर लेक जो है रहेगी, और लोनार लेक जो है ओनली क्लेटर लेक रहती है हमारी कंट्री की, तशोकार लद्दाख, तो ये 42 रामसर साइट हमें इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पीन वैली स्टूडेंट, तो पीन वैली जो है लाहौल स्पीति में आपकी स्पीति एरिया में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप हमारे ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश का मैप देख सकते हैं। डायरेक्ट हम चलेंगे लाहौल स्पीति में, तो लाहौल स्पीति जो रहता है देखिए लाहौल वैली को स्पीति वैली से अलग करता है कुंजुम पास, बहुत बार मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ। लोसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको देखने के लिए पीन वैली, और एक बात हमने लिंगटी वैली भी जो आपको जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, पतन वैली ये आपको जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, और पतन वैली का हम देखना पतन वैली फेमस रहती है क्योंकि यहाँ पर जो स्वांगला ट्राइब आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन इसमें बोला गया कि ये जो छीनी पास है कुंजुम पास है छोबिया पास है इनमें से कौन सा पास जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, तो कुंजुम पास मैंने अभी आपको बताया कुंजुम पास सेपरेट करेगा लाहौल वैली को स्पीति वैली से और ये लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कांगड़ा सोलन सिरमौर उन्ना में से किस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फुली लोकेटेड है शिवालिक हिल्स में, तो आपको बताना चाहिए उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी की पूरी आपकी शिवालिक हिल्स में आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ब्यूटीफुल वैली जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हमें जो है सांगला वैली जो देखने को मिलेगी, सांगला ट्राइब को एक बार सॉरी सांगला वैली को एक बार जो मैप में देख लेते हैं, तो दिस इज मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश और ब्यूटीफुल दिस इज अवर ब्यूटीफुल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सांगला वैली, और सांगला वैली का नाम जो है सांगला प्लेस भी आप बोल सकते हैं, और ये सांगला रिवर या बासपा रिवर जो है इसके द्वारा इसको बनाया जाता है, और ये करछम में जाके यहाँ पर आपको एक शिप बिल्डिंग फार्म भी देखने को मिलेगा किन्नौर में, करछम में ये जो है बासपा जो रिवर है या सांगला जो रिवर है ये जो है सतलुज रिवर में मिल जाएगी, और सतलुज रिवर जो शिप किला से जो एंटर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी लेक जो है सोर्स रहेगी पार्वती रिवर की, तो मानतलाई लेक इज अ सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछा जा रहा है जो कमरनाग जो लेक है जो कि आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिलेगी ये किस तहसील में लोकेटेड है, तो करसोग तहसील में ये जो है लोकेटेड है कमरनाग लेक, और करसोग में आपने देखना करसोग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली आपको देखने को मिलेगी इमला बिमला वैली। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चमेरा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है चमेरा लेक के ऊपर ये सिचुएटेड है। कोटाला पैलेस जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा लासा में आपको देखने को मिलेगा। नरसिंह टिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेस आपको देखने को मिलेगा चंबा में, बहुत इंपॉर्टेंट पीक है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी नरसिंह टिब्बा। नेक्स्ट है आपका कि किस कौन सा जिला है हिमाचल का जिसने जो रिकॉर्ड किया था माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि नेगेटिव एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इसने 2011 के सेंसस के अनुसार जो है ग्रो किया था यानी कि 2001 से 2011 के बीच में इस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घटी थी, इसका एक नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था इस लाहौल स्पीति, और -5% जो है इसका जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमने देखा था नेगेटिव ग्रोथ इसके लिए हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आपको देखने को क्वेश्चन है हु लेड द आयरन्स, किसने जो आयरन्स का जो कंक्वेस्ट था हिमाचल प्रदेश का बिटवीन 3000 to 2500 BC ये किसके द्वारा लीड किया गया था, देवदास के द्वारा जो है लीड किया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें ये पूछा गया कि व्हाट वाज द कॉन्फेडरेसी ऑफ सिक्स रिपब्लिक्स का कौन सा समूह था जो कि मेंशन है महाराष्ट्र में और अदर बुक्स में, इसको किस नाम जानते हैं। देखिए त्रिगत्ता का मेंशन जो है देखिए आपको महाराष्ट्र वगैरह में जो मिलेगा, त्रिगत्ता मतलब तीन रिवर्स के समूह से इसको लिया गया है, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो एक एंसिड नाम देखने को मिलता है। इसी तरह आप देखेंगे तो हिंदूर जो पुराना नाम था नालागढ़ का, किरीग्राम जो है आपको पुराना नाम देखने को मिलेगा बैजनाथ का, और धमेड़ी जो है धमेड़ी DUMERI धमेड़ी जो है एक एंसिड नेम रहेगा
नूरपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कांगड़ा किस राजा को यह मान लिया गया था कि उनकी मृत्यु हो गया और उनके जो भी दाह संस्कार वगैरह जो भी राइट्स होते हैं, जो भी दाह संस्कार होता है उनका, वो कर दिया गया था। ये थे हरिचंदवन। तो हरिचंदवन ये जो है ऐसा माना जाता है एक गड्ढे में जो गिर गए थे और बाद में इनको निकाला गया था। तो बहुत टाइम तक जब ये शिकार से नहीं लौटे तो ये मान लिया गया कि इनकी जो मृत्यु होगी और इनके फ्यूनरल राइट्स कर दिए गए। नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है कि ये पहले मैंने ये चीज डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ, इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस नदी के तट के ऊपर अलेक्जेंडर ने जो 12 ह्यूज अल्टार्स जो है बनाए हुए हैं टू मार्क द फादरेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस इनटू इंडिया। तो ये ब्यास, और ब्यास का आपको ग्रीक नेम देखने को मिलेगा हेफेसिस। नरेंद्र मंडल जो सेटअप हुआ है 1921 में, इसको मेमोराइज जरूर कर लेना, नरेंद्र मंडल जो 1921 में सेटअप हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि किसने कमांड किया था गोरखा आर्मी को जिसने अटैक किया था कांगड़ा मिनट इन 04 एडी में। ये अमर सिंह थापा जो है इनके जनरल थे गोरखा के, जिन्होंने जो है कांगड़ा को अटैक किया था 1804 में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में ट्रीटी ऑफ सुजौली जो साइन हुई है बिटवीन द गोरखास एंड ब्रिटिशर्स। तो ट्रीटी ऑफ सुजौली साइन हुई है 4 मार्च 1816 को। नेक्स्ट है 40 ईयर जो बाहर था 40 सालों तक जो युद्ध जो चला, जो कि एंशियंट जो आयरन किंग थे दियोदास और सांबर के बीच में, इसमें किसकी डिफीट हुई थी। इसमें जो है देखिए सांबर की डिफीट हुई थी और इसमें जो है आयरन जीत गए थे। गद्दीज ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है कैटेगराइज किया जाता है सेमी नोमादिक। नोमादिक होता है जैसे जो घुमंतू होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है चलते रहते हैं, दूसरा होता है सेमी पोस्टल और सेमी एग्रीकल्चर। ठीक है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम में जो कुल्लू की जो पुरानी कैपिटल थी वो जो जगतसुख थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु इंस्टॉल्ड एज द राजा ऑफ कहलूर बिलासपुर इंस्टीट्यूट व्हेन खड़कचंद डाइड इशुलेश। जब खड़कचंद की जो मृत्यु है जो है इशुलेश हो गई, स्मॉल पॉक्स से इनकी मृत्यु हुई थी, तो मियां जगत सिंह चंद को जो है वहां का जो राजा बनाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस रूलर को, देखिए नूरपुर का पुराना नाम है धमेड़ी, आई मेक अ पार्डन, धमेड़ी दी एच एम ई आर आई धमेड़ी जो है आपको जो पुराना नाम देखने को मिलेगा नूरपुर का। तो इसमें पूछा गया कि किस नूरपुर के राजा को जो है शाहजहां के द्वारा 1645 एडी में जो है उज्बेक्स ऑफ बाल्क्स को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है भेजा गया था, तो जगसुख को जो है भेजा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि किस ट्रीटी ने जो है डिपार्चर कर दिया गोरखा हाउस का जो है अंत कर दिया हिल स्टेट्स में, जो कि इनकी ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सुजौली के बाद जो है इनका जो है एंड हो गया एक हिल स्टेट्स में और इनको जो है नेपाल में जो वापस भेज दिया गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच राजाज वूइंग ऑफ नोखू गद्दन इज डिपिक्टेड द राजा गद्दन लव लिरिक्स। तो देखिए जो नोखू गद्दन और राजा गद्दन लव लिरिक्स हैं ये राजा संसार चंद से रिलेटेड है। और हिस्ट्री अगर आप देखें इतिहास में ये लिखा गया है कि जो नोखू जो गद्दन थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि संसार चंद जो है उसके प्यार में पड़ गए थे और इनके साथ जो उन्होंने फिर जो बाद में जो शादी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ये पूछा गया कि रेजिडेंस ऑफ ह्यूम जो थे एओ ह्यूम जी के द्वारा जो 1885 में जो आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में निभाया। तो इनका जो रेजिडेंस का नाम है ये शिमला में रोथनी कैसल। रेंक ऑफ एयर जो है सिरमौर में, देखिए ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। तो रेंक ऑफ एयर जो सिरमौर में आपको देखने को मिलेगा वो होता है 10 दिन बाद दिवाली के। इसमें ये आपसे पूछा गया कि हु वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1952। तो कृष्ण चंद्र जो है हमारे फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे ऑफ द एचपी विधानसभा इन 1952। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि इन विच ईयर जो एचपी टेरिटोरियल काउंसिल को जो कन्वर्ट कर दिया गया इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो टेरिटोरियल काउंसिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 1963 में जो कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश जो फॉर्म हुआ था और उसमें हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो बना था। इसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश 5 स्टेट जो है बन गया। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को 5 जो स्टेट थी बिलासपुर उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 1 मई 1960 को जो छिन्नी तहसील है शिमला की उसमें महासू की उसको अलग करके जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो भी हिल एरियाज है उनको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और अल्टीमेटली जो है 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश जो है 18 स्टेट जो है इंडिया की बनी, हिमाचल प्रदेश को स्टेट रूट दे दिया गया। और 1 सितंबर 1972 को जो ट्राइफिकेशन जो कांगड़ा की गई और हमीरपुर उना को जो एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट जो बना दिया गया। नेक्स्ट आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर वाई एस परमान, आनंद चंद, पंडित पदम देव और जोगिंदर सेन में से कौन से जो है अनअपोज जो है दोबारा से इलेक्टेड हो गए, अनअपोज जो है इलेक्टेड हुए थे तो फर्स्ट लोकसभा। तो आनंद चंद को जो है अनअपोज जो है इलेक्ट किया गया था लोकसभा के लिए और आनंद चंद धरगड़ा लास्ट रूलर थे ये बिलासपुर के और फर्स्ट चीफ कमिश्नर ये जो है बिलासपुर के बने थे जब बिलासपुर जो है पार्ट सी स्टेट बनाया गया था। और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक जो है इनके द्वारा जो लिखी गई है। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्मड इन 1948 व्हिच वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट ठकुराई टू ज्वाइन इट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो कुठार जो है उसमें जो सबसे छोटी जो थी एरिया वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो पिक्चर कौन सी फिगर कौन सा चित्र जो है क्वाइंस ऑफ उधमराज रूलर्स में हम देखने को मिलता है। तो ट्रिडेंट को थे त्रिशूल को।
नेक्स्ट है पास हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405-80। तो गुलेर स्टेट इन 1405-80 हरिचंद जी के द्वारा बनाई गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी हिमाचल की और उनके इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी और उनका एंशिएंट नेम क्या था, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं ताकि एग्जामिनेशन में आपका और ज्यादा स्कोर इंप्रूव हो। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि विच रूलर ऑफ चंबा स्टेट डिफाइंड द औरंगजेब्स ऑर्डर टू डिमोलिश द हिंदू टेम्पल्स इन द स्टेट, तो चतर सिंह देखिए चंबा के इंपॉर्टेंट रूलर थे, इन्होंने जो है औरंगजेब्स ऑर्डर को डिफाई कर दिया था। औरंगजेब ने ऑर्डर दिया था कि जो भी हिंदुओं के जो मंदिर है इनको जो है आप तोड़ दीजिए, डिमोलिश कर दीजिए, लेकिन इन्होंने उन ऑर्डरों को नहीं माना था। नेक्स्ट आपसे रहता है कि कांगड़ा की जागीर जो है किसको दी गई थी अकबर के द्वारा, तो ये बीरबल को दी गई थी। उसके बाद रहता है हु कमांडेड द मुगल फोर्स विच सबड्यूटेड कांगड़ा 1416-20, तो ये नवाब अली खान जी के द्वारा इसको जो है लीड किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूलर्स एंड प्रजा मंडल असेंबली हेल्ड इन जनवरी 1948, तो जो शिमला हिल स्टेट रूलर्स और प्रजा मंडल्स की जो जॉइंट जो मीटिंग हुई थी जनवरी 1948 में सोलन में, इसको दुर्गा सिंह ने जो है लीड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर यू मेमोराइज दिस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच वाज द मेन अपोजिशन पार्टी इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटर ड्यूरिंग 1950, तो 1950s के टाइम पे जो है मेन अपोजिशन पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, विद विच रीजन एच पी इज क्यांग डांस एसोसिएटेड, तो क्यांग बक्यांग ये सारे सारे डांस जो आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिलेगा, जयपुर डांस हो गया ये भी आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि हु फाउंड द नूरपुर, नूरपुर जिसका नाम था पुराना धमेरी, तो धमेरी या जो नूरपुर जो प्रिंसिपल स्टेट है इसको जीतपाल के द्वारा जो फाउंड किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि चंबा का राजा कौन था जब जहांगीर ने वहां पर विजिट किया था, तो बालभद्रा जो उसमें वहां का राजा था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विद विच एरिया गंगी एंड मोहना फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स ये रहते हैं, तो ध्यान रखना गंगी और मोहना ये फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड है बिलासपुर के साथ। नेक्स्ट आपसे रहता है कि हु फोर्स्ड राजा घमंडचंद टू पे ट्रिब्यूट टू हिम इन 1778, ट्रिब्यूट का मतलब होता है एनुअल टैक्स पे करने के लिए, किसने जो है फोर्स किया था राजा घमंडचंद को 1778 में, तो ये जो जसा सिंह के द्वारा इनको जो है फोर्स किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा हाउ डिड द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश चेंज आफ्टर द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड इन 1956, 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो एक जो है यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की जो बना दिया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे स्टेट एंड शिमला, तो ये लॉर्ड एमरेस्ट स्टेट इन 2017 में स्टे किया था यहाँ पर। इन विच ईयर वाज हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल फॉर्म, तो ध्यान रखना बहुत सारे प्रजामंडल जो है इस्टेब्लिश हुए थे, उन सब प्रजामंडल्स को बाद में हिमाचल के सभी प्रजामंडल्स को बना के जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल बनाई गई थी और ये जो है 1946 में ये जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है कि किस साल जो है बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो पास किया गया था हिमाचल प्रदेश में, तो ये 1954 में जो पास किया था। विच टू साइड्स वर सिग्नेचर टू द ट्रीटी ऑफ सजौली इन 1816, तो 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सजौली हुई है गुरखास एंड ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली कम टू एक्शन इन हिमाचल प्रदेश, तो ये 24 मार्च 1952 को फर्स्ट जो कैबिनेट है फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है और श्याम चरण सिंह नेगी जो है कालपा के किन्नौर के वो फर्स्ट वोटर हैं पूरे इंडिया के और हिमाचल के एज वेल। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है विच हिमाचल पेनिसुलर स्टेट रिफ्यूज टू साइड टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, तो ये बूशर आम धरना बूशर के राजा शमशेर सिंह ने जो है किसी प्रकार का साथ जो है ब्रिटिशर्स का नहीं दिया है 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, बाकी जितने भी राजा थे उन्होंने साथ दिया हुआ है ब्रिटिशर्स का। देखिए ब्रिटिशर्स का मेन अटैक जो है हिमाचल के ऊपर करने का मेन कारण यह था क्योंकि ये जो है ट्रेड रूट्स अपने बनाना चाहते थे, मार्केट एक्सेस जो रिमोट एरियाज का चाहते थे, और भाई हिमाचल जो है इनको जो एक बहुत ही अच्छा एक ट्रेड रूट जो है मिल रहा था आपके पाकिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए और जो भी नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है वहां के लिए एक इजी ट्रेड रूट इनको जो मिल रहा था, लेकिन मेन खतरा था इनके लिए गुरखास, वो पहले से यहाँ पर बसे हुए थे, तो इन्होंने क्या किया कि गुरखास को के खिलाफ ये लड़े और उनको यहाँ से हटा के फिर जो है बाद में ट्रीटी ऑफ सजौली साइन की। और जो भी रूलर्स थे हिल स्टेट्स के उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि युद्ध खत्म होने के बाद जो उनको जो उनकी टेरिटरी जो वापस मिल जाएगी। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जो बफर कुछ पेनिनसुलर स्टेट्स जो थी हिमाचल उनको बफर स्टेट्स के रूप में बना के रखा और मैक्सिमम जो राजा थे हिल स्टेट्स के उनको सनद प्रोवाइड कर दी और डायरेक्ट कंट्रोल जो है प्रिंसिपल स्टेट्स का जो है ब्रिटिशर्स ने देखा। नेक्स्ट आपसे रहता है कि इन विच हिमाचल प्रिंसिपल स्टेट द पीपल डिमांडेड वायलेशन ऑफ बेगार लीडिंग टू पुलिस फायरिंग इन ऑन एक्टर्स, देखिए तो धामी फायर ट्रेजेडी जो रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है इतिहास में, 16 जुलाई 1939 को ये हुई थी और भागमल सोथा वगैरह जो है यहाँ के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि फॉर हाउ मेनी इयर्स द वार बिटवीन देवदास एंड सांबर एज डिस्क्राइब्ड विद रिगवेद देवालास, तो 40 साल तक जो है जो देवदास और सांबर के बीच में जो वार चला था। और ध्यान रखना कांगड़ा के राजा एक सुषम चंद्रा करके जो राजा थे इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच फेमस राइटर हैज डिस्क्राइब्ड द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द खश रिपब्लिक ऑफ द हिल्स एंड द आर्यन किंगडम ऑफ द प्लेन्स, तो ये पाणिनि के द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया अपनी बुक्स में अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट आपको सिंपल एक इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया, आप ध्यान रखना 1686-80 में जो है
1686 ईस्वी में बैटल ऑफ भनगनी जो है फोट हुआ था गुरु गोविंद सिंह एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ राजा भीमचंद ऑफ कहलूर, फतेह शाह ऑफ गढ़वाल एंड राजा हरिचंद ऑफ हिंडूर, हिंडूर जो पुराना नाम है नालागढ़ का, इन बीच गुरु गोविंद सिंह जो है जीत गए थे। संसारचंद सिंह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सक्सेसफुल जो है राजा थे कांगड़ा के, मोस्ट पावरफुल किंग थे कांगड़ा के, और ये जो राजा बने थे 1736 में 10 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इन 1786 AD उन्होंने जो राजा ऑफ चंबा को जो डिफीट किया था नेरती शाहपुर बैटल में। इन 1806 में जो है अमर सिंह थापा जो कि गुरखा थे उनको जो है इनवाइट किया गया था बहुत सारे हिल्स के राजाओं के द्वारा, क्योंकि वो संसारचंद की एक्सपेंशन और एग्रेसिव पॉलिसी काफी ज्यादा परेशान थे। इनमें मेन था इसमें राजा महानचंद ऑफ कहलूर, और इनके नेतृत्व में जो है गुरखास को इनवाइट भेजा गया था टू इन्वेड कांगड़ा, और गुरखास ने इनविटेशन एक्सेप्ट करके अमर सिंह थापा के अंडर जो है अटैक किया, और 1806 AD में जो इन्होंने जो है महल मौर्या हमीरपुर में जो है संसारचंद को डिफीट किया। और चंबा देखिए जो डिस्ट्रिक्ट है इसको माना जाता है कि 1680 में जो इसको जो मीर वर्मन के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरू वर्मन। और मीरू वर्मन ध्यान रखना ये जो माना जाता है कि इनके द्वारा जो है शिमला सॉरी चंबा स्टेट या चंबा डिस्ट्रिक्ट जो इस्टेब्लिश किया गया है। और टेम्पल ऑफ मनीमहेसा लक्षणा देवी जो कि इंपॉर्टेंट पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे, मनीमहेसा टेम्पल जो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा, गणेशा एंड नारसिंगा टेम्पल और सूर्यमुखी जो टेम्पल है भरमौर में ये इनके द्वारा जो बनाए गए हैं। और गुग्गा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मास्टर क्राफ्टमैन था इनके टाइम के ऊपर, ध्यान रखना गुग्गा जो एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन था, हस्तलिपि में काफी इंपॉर्टेंट एक जो है कलाकार था आर्टिस्ट था गुग्गा, इसका ध्यान रखना ये जो है मेरुवर्मन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। और नबाई देवी टेम्पल जो है देखिए नबाई देवी टेम्पल आपको सुखराट में देखने को मिलेगा, ये अलाइड सर्विस में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वॉज द ओरिजिनल कैपिटल बिलासपुर स्टेट, जब जो बिलासपुर स्टेट जो हिस्ट्री देखिए यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन होना, जब हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो ये प्रिंसली स्टेट्स थी पुराने टाइम के ऊपर, आज ये डिस्ट्रिक्स हैं। तो विच वॉज द ओरिजिनल कैपिटल बिलासपुर स्टेट इन अबाउट 1900 AD व्हेन इट वाज फाउंडेड, तो नैना देवी जो ओरिजिनल कैपिटल उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पुश द टेरिटरी ऑफ तिब्बत टू इट्स प्रेजेंट बाउंड्रीज थ्रू अ ट्रीटी ऑफ 17th सेंचुरी, तो ये बूशर के द्वारा राजा के द्वारा की गई थी। तो बूशर के राजा जो है केहरी सिंह जी को जो है छत्रपति उपाधि भी जो दी गई है, और केहरी सिंह की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि हांगरंग वैली को जो इन्होंने जो तिब्बत से जो जागीर में लिया होता और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इन्होंने जो तिब्बत के साथ जो है की थी, जिसके तहत जो लव अफेयर आज भी उसकी याद में जो हम जो मनाते हैं, और इन्हीं के टाइम पे के ऊपर जो है आपकी जो है बाउंड्रीज जो रहती है प्रेजेंट तिब्बत के साथ ये जो है इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आप बताते हैं विच मुस्लिम रूलर इन्वेटेड कांगड़ा एंड प्लंडर्ड इट्स टेंपल इन 1009 AD, ये मोहम्मद गजनवी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं समझता हूँ, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इन विच टेम्पल, तो किस मंदिर में जो हिमाचल प्रदेश के 300 संस्कृत बुक्स हैं, 300 जो है संस्कृत लैंग्वेज में बुक्स हैं जिनको ट्रांसलेटेड किया गया है ऑन फिरोज शाह तुगलक्स ऑर्डर्स, और इनको यहाँ पर प्रिजर्व भी किया गया है। तो 300 संस्कृत बुक्स जो है आपको ज्वालामुखी स्क्रीन में देखने को मिलती है, और इनको ट्रांसलेट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के ऑर्डर के बाद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इन विच टाउन डिड जहांगीर कंस्ट्रक्ट द मॉस्क्यू इन साइड ऑफ 1421 AD, तो ये जो नगर कोट फोर्ट कांगड़ा में इनके द्वारा मॉस्क्यू बनाया गया था। हुआ द फर्स्ट नाजिम गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स अपॉइंटेड बाय द महाराजा रंजीत सिंह आफ्टर ही डिफीटेड द गुरखास, तो सरदार देसा सिंह मजीठिया को जो इनके द्वारा जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ कांगड़ा सीरीज में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नलाड़ी सर्विस में पहले पूछा जा चुका है, इसमें आप पूछा था कि ऑन विच इशू देखिए किनकरी देवी KRI होगा यहाँ पर, सॉरी KRI ही है इसमें, तो किनकरी देवी, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन विच इशू किनकरी देवी फाइल अ PIL, PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो है PN भगवती साहब वगैरह हमारे इंपॉर्टेंट जो है जज थे उनके इनिशिएटिव से PIL जो है हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई है, और USA से हमने इसका जो कंसेप्ट किया हुआ है। PIL का मतलब होता है इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका मतलब होता है इसका मतलब ये है मान लीजिए कोई इंडिविजुअल काफी गरीब है या कोई ग्रुप है सोसाइटी का वो काफी गरीब है और अपने सोशल बैकवर्डनेस के कारण या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कारण वो जो है लीगल जो दरवाजा है जो कोर्ट का दरवाजा उसको खटखटा नहीं सकते हैं क्योंकि काफी एक्सपेंसिव जो है ये रहता है, एडवोकेट की फीस काफी ज्यादा होती है। तो इसमें कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है NGO जो कि पब्लिक हार्टेड है वो कुछ सोशल वेलफेयर का काम करना चाहती है उस ग्रुप या उस इंडिविजुअल के लिए काम करना चाहती है, तो उनके वेलफेयर के लिए उनके बिहाफ में जो है ये जो PIL जो फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और फिर कोर्ट जो है उसमें जो इस तरह से वर्डिक्ट देगी, यानी कि किसी और के वेलफेयर के लिए किसी और के द्वारा PIL को जो फाइल किया जाता है। आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए PIL फाइल कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपके एरिया में काफी ज्यादा जो है कटान जो है पेड़ों का हो रहा है तो उसके लिए भी आप PIL जो फाइल कर सकते हैं। तो PIL देखिए किनकरी देवी जी के द्वारा फाइल की गई थी हाई कोर्ट में 1987 में, और ये इन्होंने फाइल की थी इलीगल क्वेरिंग के लिए। और मैं आपको बता दूं किनकरी देवी देखिए नारी शक्ति का बहुत बड़ा जो है नाम हम मान सकते हैं, इलीगल क्वेरिंग मतलब इलीगल माइनिंग जो इनके एरिया में हो रही थी। तो किनकरी देवी जो पढ़ी लिखी नहीं थी
और 1999 में देखिए इनके सोशल वर्क के लिए जो है इनको जो है स्त्री शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। और ये संबंध रखेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, और इनका जन्म हुआ है घाटोन जो विलेज है सिरमौर का। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन एचपी स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। तो पहाड़ी चित्रकला के लिए 1982 में जो है स्टेट लेवल प्राइज जो एचपी का जो ओसी हांडा साहब जी को जो दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर इन द एचपी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी 96 तो 96 हो गए थे। इससे पहले 1941 के आसपास आप देखें तो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे और 1967 में ये जो है 3 हो गए थे। इन विच विधानसभा इलेक्शन ऑफ एचपी डिड बीएसपी विन द सीट, तो बीएसपी के द्वारा जो 2007 के विधानसभा इलेक्शन में सीट जीती गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है हु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन, तो किसका जो सबसे ज्यादा वोटों से है सबसे ज्यादा विक्ट्री मार्जिन सबसे ज्यादा वोटों का मार्जिन जो है 2017 के एचपी विधानसभा इलेक्शन में जो है किसमें देखने को मिला, तो विनोद कुमार नाचन जो रहते हैं ये हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री से जो ये जीते थे। और लोकसभा इलेक्शन 2019 में धरना राम एमपी रामस्वरूप शर्मा जो है मंडी के ये जो है 405,000 वोटों के आसपास जो इन्होंने जो है जीत जो है दर्ज करवाई थी। और सीआर पाटिल जो है बीजेपी के ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टॉपर थे, इन्होंने कांग्रेस के धर्मेश भाई भीम भाई को जो है 6.89 के मार्जिन से जो हराया था। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप आगामी एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन रहता है कि शत्रुज किस प्लेस से जो है हिमाचल में एंटर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शिपकिला दर्रे से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करेगी। मानक पर्वत जो है शिवाली को बोला जाता है और मोलाक पर्वत जो है धौलाधार को बोला जाता है। सेक्स रेशियो जो एचपी 1972 है, एचपी जो है 1970 में जो एस्टेब्लिश 22 जुलाई 1970 में जो है हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश हुई थी। और इसके फर्स्ट जो है वाइस चांसलर डॉक्टर आर के सिंह थे और प्रेजेंट जो है वाइस चांसलर आपको जो है सिकंदर कुमार जो है देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है धरनघटी सेंचुरी, तो धरनघटी सेंचुरी आपको रामपुर बुसारे में जो देखने को मिलेगी। निका एक जो पेंटर है ये जो एसिड है चंबा के साथ। और फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आप देखने को मिलेंगे जस्टिस एम एच बेग। और शिमला कालका रेल ट्रैक को जो है 9 नवंबर 1903 में जो लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया था और एच एस हरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। और जो नरवाड़ी फेयर जो रहता है बिलासपुर का 1889 में इसका आइडिया जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो है कंसीव्ड किया गया था। हिमालयन सर्किट जो बुक जो है ये जी डी घोषला जी के द्वारा लिखी गई है। निकोलस रोरिक जो कि एक जो है इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, जिनके द्वारा 7000 के आसपास पेंटिंग जो हिमालय में जो बनाई जा चुकी है ये रशिया को जो बिलोंग करते थे। और आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र ही टेम्पल आपको ऋषि लोमस का जो है हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिलेगा और ये जो रिवासर मंडी में आपको देखने को मिलेगा। और स्मॉलेस्ट धाम इन हिमाचल स्मॉलेस्ट डैम इन हिमाचल प्रदेश आपको जो पंडो डैम जो देखने को मिलेगा मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जेंटलमैन एक जो है भद्र पुरुष रहते हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है फास्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट टाइपिंग का जो सेटअप किया हुआ है ये हमारे राजेंद्र सिंह। तो इनका ध्यान रखना हमने राजेंद्र सिंह का, इनके द्वारा जो है 484 स्ट्रोक्स अ मिनट का रिकॉर्ड जो सेटअप किया गया है। ये रिकॉर्ड रहता है फास्टेस्ट एक्यूरेट टाइमिंग फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन और ये इन्होंने कारनामा किया था 4 अगस्त 1988 को। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हेन वाज आईएएस कैडर सेक्शन फॉर हिमाचल प्रदेश, 1971 में जो है आईएएस कैडर जो है सैंक्शन कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड स्टेट ऑफ हिंदू नालागढ़, तो नालागढ़ स्टेट्स की एस्टैब्लिश की गई है राजा अजय चंद जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1955 टू 1963, तो 1955 टू 1963 के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हिमाचल प्रदेश के जो है बजरंग बहादुर सिंह जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो है 5 ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है रहे हैं। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे मेजर जनरल एम एस हिम्मत सिंह जी जो कि 1952 टू 1954 तक रहे थे। उसके बाद बजरंग बहादुर सिंह जी 1955 टू 63। उसके बाद भगवान शाही जो कि आईसीएस थे इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट थे ये 1962 टू 1966। और वी विश्वनाथन जो है 1966 टू 67 रहे हैं। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह 1967 टू 1971। और उसके बाद हमारी स्टेट जो है यूटी से जो है हमारी जो है स्टेट ये बन गई। और उसके बाद गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जो है हमारे स्टेट के जो एस चक्रवर्ती जी थे जो कि अगेन एक आईसीएस थे फ्रॉम 1971 टू 1977। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है उक्यांग और फुलेज फेस्टिवल जो है एसोसिएटेड, तो उक्यांग और फुलेज फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट किन्नौर के। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किसको जो छोटी काशी बोला जाता है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारे बोला जाता है। और मंडी में अर्धनारीश्वर टेम्पल जो है आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। महामृत्युंजय टेम्पल भी आपको देखने को मिलेगा, पंचवता टेम्पल। लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन बोला जाता है रेणुका लेक को, तो ये भी आपने ध्यान रखना लेक ऑफ स्लीपिंग वुमेन रेणुका लेक। तो डांसेस के बारे में आप मेमोराइज कर लीजिए, डांसेस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को बिलोंग करते हैं, तो क्यांग जात्रु क्यांग बक्यांग छुआरा डेविल डांस जैप्रो बक्यांग छो लॉन्ग डार्मा शोन ग्यूक शोन याग डांस। नेक्स्ट डांस फॉर्म इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, तो नाटी हो गया खरेट हो गया फिली। डांस फॉर्म इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो नाटी झांझर बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, चंबा का बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ढांगी
जमकरा, घुमरारी, मंडी में अगेन आपको जो नाटी देखने को मिलेगा, फिटी गहरी, लुड्डी, बांथड़ा, जने जंग, और लाहौल स्पीति में आपको शाबो डांस, शोरी डांस, बुजांग डांस और रूपाम डांस देखने को मिलेगा। शाबो इज वेरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपको नाटी और सीज डांस देखने को मिलेगा। डांसिंग फॉर्म ऑफ सिरमौर अगर हम देखते हो जूरी और रास डांस, बुरा डांस, नाटी, करियाड़ा एंड स्वांग बहुत इंपॉर्टेंट है सिमार के, सिरमौर के करियाड़ा डांगरा डांस फॉर्म बिलासपुर आपको देखने को मिला, गिद्दा एंड स्वांग। सो दैट्स द एंड ऑफ ओवर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ जो जानने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो आपके लिए जो है वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर जो है लाता रहूं, जो आपको एग्जामिनेशन में जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।